गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग टेक्निक्स। डेटा माइनिंग की कौन कौन सी तकनीक है जिनको हम यूज करके डेटा को माइंस करते हैं डेटा वेयरहाउस से। तो डेटा माइनिंग में, जैसे कि हमने पहले भी देखा, डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, डेटा माइनिंग इंक्लूड्स दी यूटिलाइजेशन ऑफ रिफाइंड डेटा एनालिसिस टूल्स टू फाइंड प्रीवियसली अननोन वैलिड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन हुज डेटा सेट्स। तो डेटा माइनिंग में हम जो हमारे डेटा वेयरहाउस में डेटा है उसमें से कुछ पैटर्न्स या इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कुछ टूल्स को यूज करके। जो पैटर्न से रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो पहले हमें पता नहीं थे, हमारे लिए वो नए हैं। दीज टूल्स कैन इनकॉर्पोरेट स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल एल्गोरिथम सच एज न्यूरल नेटवर्क और डिसीजन ट्री। तो ये जो हम टूल्स काम में ले रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम डेटा माइनिंग करेंगे, जिनकी हेल्प से हम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स या रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है डेटा माइनिंग का वो ये टूल्स हैं। तो इस टूल्स के अंदर स्टेटिस्टिकल मॉडल हो सकता है, मशीन लर्निंग टेक्निक हो सकती है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हो सकती है, न्यूरल नेटवर्क्स हो सकते हैं और डिसीजन ट्रीज हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेरियस मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड स्टेटिस्टिक्स, प्रोफेशनल इन डेटा माइनिंग हैव डिवोटेड देयर करियर्स टू बिटवीन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोसेस एंड मेक कॉन्क्लूजन्स फ्रॉम द हुज अमाउंट ऑफ डेटा बट वाट आर द मेथड्स दे यूज टू मेक इट हैपन। तो हमारे पास कई सारे मेथड हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम आपस में कॉम्बिनेशन में यूज करके, जैसे कि मशीन लर्निंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, स्टेटिस्टिक्स है, इनको यूज करते हुए जो डेटा माइनिंग के प्रोफेशनल्स हैं वो, जो कि डेटा वेयरहाउस को, डेटा माइनिंग को अच्छे से समझते हैं, वो प्रोसेस करते हैं और कॉन्क्लूजन निकालते हैं एक बहुत ही बड़ा हुज अमाउंट ऑफ डेटा जो डेटा वेयरहाउस से होता है उसमें से काम की चीज़ें, काम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास, उनमें से कुछ तरीके हैं, उनको हम इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इनको डिटेल से समझेंगे। तो पहला जो तरीका है या टेक्निक है या टूल है वो है जेनेटिक एल्गोरिथम्स। तो पहले हमें देखना है जेनेटिक एल्गोरिथम होती क्या है। जेनेटिक एल्गोरिथम इज ए सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड न्यूरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, तो ये एल्गोरिथम काम करती है सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पर। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जो भी हमारे पास अवेलेबल जो इनपुट्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है उसको फाइंड आउट करना। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज टू फाइंड ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विच अदरवाइज वुड टेक अ लाइफ टाइम टू सॉल्व। तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम काम में ली जाती है ऑप्टिमल का मतलब सबसे अच्छा सॉल्यूशन या नियर ऑप्टिमल, जो सबसे अच्छे के नज़दीक हो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम काम में नहीं लें तो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग सकता है, तो ये टाइम को कम कर देती है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू सोल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन रिसर्च एंड इन मशीन लर्निंग। तो ये ज़्यादातर काम में ली जाती है रिसर्च या मशीन लर्निंग के अंदर,
सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकालने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का मतलब किसी चीज को बेटर बनाना। अब जेनेटिक एल्गोरिथम, उसको विस्तार से हम आगे समझेंगे। पूरा का पूरा एक टॉपिक है हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिथम। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। डिसीजन ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिसीजन ट्री इज ए स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ए रूट नोड, ब्रांचेज एंड लीफ नोड्स। तो ये जैसा कि हमारा ट्री होता है उसी की तरह होता है। इसमें रूट नोड होता है, फिर ब्रांचेज होती है और फिर लीफ नोड होते हैं। तो ट्री तो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। ईच इंटरनल नोड डिनोट्स ए टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट, ईच ब्रांच डिनोट्स द आउटकम ऑफ ए टेस्ट एंड ईच लीफ नोड होल्ड्स ए क्लास लेबल। द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री इज द रूट नोड। तो टॉप मोस्ट जो नोड होता है वो होता है ट्री नोड। उसके बाद में जो इंटरनल नोड हैं वो क्या डिनोट करते हैं? टेस्ट। और हर एक ब्रांच है वो डिनोट करती है आउटकम ऑफ अ टेस्ट। और जो लीफ नोड है वो होल्ड करेगा क्लास लेबल। इसको हम आगे डायग्राम से समझेंगे। नीचे एक डायग्राम दे रखा है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर को खरीदने का तरीका, कि एक कस्टमर है किसी कंपनी का, कंप्यूटर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा उसको हम डिसाइड करेंगे डिसीजन ट्री से। देखिए, सबसे जो पहला जो नोड है, रूट नोड जिसको बोलते हैं, वो है एज। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी इंसान है उसकी उम्र क्या है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो कंप्यूटर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एज है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, तीन तरह के लोग हैं, यंग, मिडिल एज और सीनियर। यंग का मतलब आप मान लीजिए जैसे कि 18 या 20 साल तक का है, मिडिल एज है वो 18 या 20 से लेके 40 45, और फिर सीनियर है वो 50 या 60 से ऊपर का मान लीजिए। तो अगर यंग है मतलब 20 साल से छोटा है, तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो पहले ये चेक करेंगे कि वो स्टूडेंट है या नहीं है। तो अगर वो स्टूडेंट है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरनल नोड है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं हम क्या स्टूडेंट है या नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इंटरनल नोड में क्या होता है? टेस्ट। फिर जो ब्रांचेज है वो क्या होती है? रिजल्ट आता है। तो अगर वो स्टूडेंट है, यस वो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो उसको कंप्यूटर की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, तो यस वो खरीदेगा। अगर वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या खरीदेगा? उसको ज़रूरत ही नहीं कंप्यूटर या लैपटॉप की, तो वो नहीं खरीदेगा। उसके बाद में मिडिल एज्ड। अब मिडिल एज्ड है वो, इसका मतलब कोई ना कोई काम करता है वो, और साथ में उसकी अर्निंग भी है, उसके पास पैसा भी है, तो काम भी कर रहा है, पैसा भी है, उसको ज़रूरत भी है, तो वो तो कंप्यूटर खरीदेगा, उसका हमने यस कर दिया। फिर सीनियर है, ठीक है, तो सीनियर का हम देखेंगे उसकी क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उसकी, उसके पास पैसे हैं तो वो खरीदेगा। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। तीसरा जो टेक्निक है वो है क्लस्टरिंग। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हम कई सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग्स टू द सेम क्लास। क्लस्टर है वो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होगा, और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? जो सेम क्लास से बिलोंग करेंगे। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप में भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? सेम क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनका ही बनाते हैं ना। जैसे कंप्यूटर में डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। फिर आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स का अलग से ग्रुप बना लिया,
आपने अपने फैमिली मेंबर्स का अलग से ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के अंदर हम देखेंगे, एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो क्या एक क्लास से बिलोंग करेंगे। एक क्लास से बिलोंग करने का मतलब, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी कॉलेज का ग्रुप है, इसका मतलब उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही ग्रुप में होंगे, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स कॉलेज वाले ग्रुप में नहीं होंगे, और आपका फैमिली का ग्रुप है तो आपके फैमिली मेंबर्स ही होंगे, उसमें कॉलेज में पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे। या फिर ऐसा कोई और दूसरा ग्रुप है, कोई नौकरी करने वाला, तो जहाँ पर वो काम करता है, जॉब करता है, तो उसके कलीग्स हैं, उनका ग्रुप होगा, तो उसमें वही होंगे, फैमिली वाला उसमें नहीं होगा। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि एक क्लस्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम क्लास को बिलोंग करने वाले होते हैं, एक जैसे होते हैं वो, उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सेम गुण होते हैं। और अगर दो अलग अलग क्लस्टर के ऑब्जेक्ट्स को हम देखें तो वो आपस में अलग होते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन वन क्लस्टर एंड डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन अनादर क्लस्टर। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जो समान वस्तुएं हैं उसको एक समूह में बांट दिया और विभिन्न वस्तुएं हैं वो दूसरे में। तो ये हमने पहले भी देखा था क्लस्टरिंग का। जैसे आप सुपरमार्केट में गए शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बिस्किट रखे हैं ना, तो वो किसी भी कंपनी के हो, चाहे है तो बिस्किट ही, तो वो बिस्किट एक जगह सारे बिस्किट होते हैं। फिर आप देखोगे ड्राई फ्रूट्स है, तो वो ड्राई फ्रूट्स एक जगह होंगे। अगर साबुन है तो एक जगह साबुन होंगे सारे। दाल है तो दालें सारी एक जगह होगी, तो वो क्या एक क्लस्टर बना रखा है, तो दालें हैं तो उनमें सिमिलरिटी है सब में। जबकि दाल और बिस्किट अलग अलग है तो वो अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। तो अलग अलग ग्रुप के ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को आप चेक करोगे तो वो अलग अलग उनमें गुण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे। जबकि एक ही क्लस्टर, एक ही ग्रुप है, उसके अंदर वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स को चेक करोगे आप तो वो एक जैसे होंगे। क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स इंटू क्लासेज ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासेज में या ग्रुप्स में रखते हैं, और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग, क्लस्टर। ए क्लस्टर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज वन ग्रुप। डेटा ऑब्जेक्ट के क्लस्टर को एक समूह के रूप में माना जा सकता है। वाइल डूइंग क्लस्टर एनालिसिस वी फर्स्ट पार्टीशन द सेट ऑफ डेटा इंटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डेटा सिमिलरिटी एंड देन असाइन दी लेबल टू द ग्रुप। तो हम जब क्लस्टरिंग करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे जो डेटा सेट्स जो सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में डालते हैं, और जो सिमिलर नहीं है उनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में आपकी इंजीनियरिंग में तीन ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर, मैकेनिकल और सिविल। तो आपको हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। कंप्यूटर ब्रांच वाले अलग बैठेंगे, सिविल वाले अलग और मैकेनिकल वाले अलग। फिर कंप्यूटर के अंदर फिर और आगे ग्रुप बना सकते हैं, कंप्यूटर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, ऐसे आगे। और कंप्यूटर के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें सिमिलरिटी है, वो सारे कंप्यूटर पढ़ते हैं, सब कंप्यूटर जानते हैं। सिविल वाले हैं उनमें सिमिलरिटी है, वो सब सिविल पढ़ रहे हैं और सब सिविल के बारे में जानकारी रखते हैं। जबकि कंप्यूटर और सिविल दोनों क्लस्टर में से एक एक ऑब्जेक्ट लिया, एक एक स्टूडेंट को लिया, तो उनमें डिसिमिलरिटी है। कंप्यूटर वाला अगर सिविल की क्लास में चला गया तो उसको वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, या सिविल के बारे में वो कुछ बता नहीं पाएगा। तो सेम क्लस्टर है, सेम ग्रुप है, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें सिमिलरिटी होती है, और डिफरेंट जो ग्रुप्स है, क्लस्टर्स है, उनके मेंबर्स हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं, उनमें सिमिलरिटी नहीं होती है। फोर्थ जो हमारी टेक्निक है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल का मतलब हमने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के रूप में न्यूरल नेटवर्क डेवलप कर लिया।
एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऑफन जस्ट कॉल्ड एन न्यूरल नेटवर्क इज ए मैथमेटिकल मॉडल इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो एक कृत्रिम तंत्रिका तंत्र है जिसको हम अक्सर सिर्फ तंत्रिका तंत्र ही कहते हैं, तंत्रिका नेटवर्क ही कहते हैं। एक गणितीय मॉडल है जो जैविक तंत्रिका नेटवर्क से प्रेरित है। तो देखिए, साइंस में जो चीज़ें हैं वो हमारी जो रियल लाइफ है उनसे हमने प्रेरित होके ही डिजाइन किए जाते हैं, जो चीज़ें डिजाइन हुई है। ए न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एंड इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग ए कनेक्शनिस्ट अप्रोच टू कंप्यूटेशन। एक तंत्रिका नेटवर्क में कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक परस्पर समूह होता है और यह कंप्यूटेशन के लिए एक कनेक्शनवादी दृष्टिकोण का उपयोग करके जानकारी को संसाधित करता है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है हमारे दिमाग में। कोई भी सजीव है उसके दिमाग में, किसी भी जीव के दिमाग में न्यूरल नेटवर्क होता है, और वो न्यूरल नेटवर्क है वो डिसीजन लेता है किसी भी सिचुएशन में। एक तरह से ये मान सकते हैं न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें कई सारे न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अब एक न्यूरॉन क्या होता है, एक न्यूरॉन का हम ऐसे मान सकते हैं कि वो अपने आप में एक प्रोसेसर हो सकता है। तो हमारे दिमाग है उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड है। जब भी हमारा दिमाग कोई डिसीजन लेता है तो वो न्यूरॉन्स है वो आपस में कनेक्टेड है और उनका सबका रोल होता है उस डिसीजन में, ताकि अच्छे से अच्छा डिसीजन उसमें लिया जा सके। इन मोस्ट केसेस एन न्यूरल नेटवर्क इज एन अडेप्टिव सिस्टम दैट चेंजेज इट्स स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ए लर्निंग फेज। तो ज्यादातर मामलों में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एक अनुकूली प्रणाली होती है। ठीक है, अनुकूली प्रणाली का मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहता है, जो कि सीखने के चरण के दौरान इसकी संरचना को बदल देता है। न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड टू मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स और टू फाइंड पैटर्न्स इन डेटा। न्यूरल नेटवर्क हम किस लिए काम में लेते हैं, ताकि हम एक जो कॉम्प्लेक्स मॉडल है हमारा उसके अंदर इनपुट और आउटपुट है या डेटा के अंदर से हमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं, वहां पर न्यूरल नेटवर्क काम में लेते हैं। द इंस्पिरेशन फॉर न्यूरल नेटवर्क्स केम फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि तंत्रिका नेटवर्क की जो प्रेरणा है वो हमें मिली थी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की परीक्षा से, जो कि हमारे दिमाग में होता है। तो आप जब किसी गर्म चीज़ को टच करोगे तो आपका हाथ अपने आप दूर हट जाएगा वहाँ से, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। ठंडा है तो आपका हाथ हट जाएगा और उसको सेंस कर लेगा। ये क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र के थ्रू ये जो सेंसर है हमारा, जो स्किन है, वो सेंस करती है और वो सिग्नल भेजती है दिमाग में न्यूरल नेटवर्क के पास। वहाँ पर लाखों न्यूरॉन्स हैं और उनसे वापस सिग्नल जाता है तो हाथ अपने आप हट जाता है वहाँ से। उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली फास्ट होता है बिल्कुल। इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिंपल आर्टिफिशियल नोड्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो नोड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स या न्यूरोड्स या प्रोसेसिंग एलिमेंट्स या यूनिट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क विच मिमिक्स ए बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, या उनको न्यूरोड्स बोल सकते हैं या प्रोसेसिंग एलिमेंट या यूनिट बोलते हैं, तो वो एक तरह से हमने कॉपी किया है, एक तरह से हमने नकल की है जो हमारा इंसान का जो जैविक तंत्रिका नेटवर्क है उसकी। तो ये था हमारा डेटा माइनिंग टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमने
एक ओवरव्यू देखा है कि डेटा माइनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं। डिसीजन ट्री ले रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ले रहे हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम ले रहे हैं, क्लस्टरिंग ले रहे हैं। अब आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें हम विस्तार से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं, कौन सा मैथमेटिकल मॉडल इन पर काम करता है, क्या क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इनके क्या यूज हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, डेटा माइनिंग में हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और फ्यूचर में जो वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।